अस्सलाम वालेकुम। आज हम मूली के पकोड़े बनाएंगे। मूली के पकोड़े बनाने के लिए बेसन हमने लिया है 2½ कप। मूली हमने क्रश की हुई लेनी है, कद्दूकस कर लेना है, ग्रेट करना है मूली को इस तरह से 2 कप भरकर। ये हमने अदरक लिया है 2 टीस्पून, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हमने इसको क्रश कर लेना है। मसालों में हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून या थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, नमक और मिर्च जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये हमने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने धनिया लेकर इनको हमने ड्राई रोस्ट किया है हल्का सा, फिर हमने इसको पीस लेना है या फिर आप इसको क्रश कर लें, ये आपकी मर्जी है। आप पीस भी सकते हैं, हल्का हल्का कूट भी सकते हैं। ये हमने आमचूर लेना है 1 टेबल स्पून भरकर, यानी कि मैंगो पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। अब हमने बेसन ले लेना है मूली के पकौड़े बनाने के लिए। इसमें हमने कद्दूकस की हुई मूली डाल देनी है 2 कप भरी हुई। बेसन हमने 2½ कप लिया है, अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 चमचे और भी डाल सकते हैं बेसन के, क्योंकि मूली जो है ये पानी छोड़ती है। इसमें हमने नमक डाल देना है 1 टीस्पून, ये थोड़ा सा पहले ज़्यादा डाल दें, ये आप देख लें, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया और जीरा हमने 2 टेबल स्पून लेना है, इसको हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर हमने इसको बारीक पीस लेना है या फिर आप इसको क्रश कर लें, हल्का हल्का कूट लें, अगर कूटा हुआ चाहिए ये आपकी मर्जी है। आमचूर मैंगो पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। अदरक डालेंगे 2 टीस्पून, बिल्कुल फ्रेश हमने क्रश किया है। ये सारी चीज़ें डालकर पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि मूली जो है ये काफ़ी पानी छोड़ती है। इसको हमने इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर देना है। बल्कि पहले आप पानी ना ही डालें, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 20 मिनट के लिए आप रख दें। मूली में जितना पानी छोड़ना होगा फिर उस हिसाब से आप पेस्ट डाल लें, अगर पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल लें। पहले हमने इसी तरह से मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा बैटर, क्योंकि मूली काफ़ी पानी छोड़ देती है। इसी तरह से मिक्स करके 20 मिनट के लिए पहले आप इसको रख दें ढाँप कर, फिर अगर ज़रूरत हो तो इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर इसका नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर आप एक पकौड़ा फ्राई करके देख लें, फिर उसमें नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हमने 20 मिनट के लिए बैटर को रखना है। ऑयल को हमने मीडियम आग से थोड़ी सी तेज़ रखनी है। आग तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, कुकिंग ऑयल डाला है हमने। ये मूलियों का बैटर है, ये देखिए हमने बिल्कुल भी पानी इसमें सिर्फ 1 चमचा ही डाला था। अब मूलियों ने पानी जो है ये छोड़ दिया था, फिर बाद में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसका बैटर, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूलियाँ जो है ये काफ़ी पानी छोड़ देती हैं। अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए तो 1-2 टेबल स्पून आप बेसन जो है ये और भी डाल सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, 1 चमचा भरकर हमने पकौड़ों को हमने फ्राई कर लेना है। एक पकौड़ा पहले आप फ्राई करके उसमें फिर आप नमक मिर्च टेस्ट कर लें।
इसी तरह हमने एक एक चमचा भरकर ऑयल में डालते जाना है। पकौड़ों को हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। आग को हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज़ रखना है। अगर आप हल्की आग पर पकौड़े फ्राई करेंगे तो फिर काफ़ी देर तक फ्राई करेंगे, उससे ये पकौड़े फिर आपके सख्त हो जाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था। अगर आप बहुत नरम बनाना चाहते हैं तो इसमें आप बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा आधा टीस्पून डाल सकते हैं या 1/4 टीस्पून डाल दें, उससे यह कि आपके पकौड़े जो हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम फ्राई होते हैं। अब हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे। मूली के पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा हमने इनको क्रिस्पी किया है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इनका। बहुत ही हेल्थी और मज़ेदार पकौड़े जो हैं ये तैयार हो जाते हैं। इसी तरह हमने सारे पकौड़े जो हैं फ्राई करके एक प्लेट में पेपर टॉवल बिछा लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ये प्लेट में चला जाए। सारे पकौड़ों को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे जायकेदार चटखारेदार क्रिस्पी सॉफ्ट मूली के पकौड़े तैयार हैं। ये देखिए हम आपको तोड़कर दिखाते हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं अंदर से सॉफ्ट हैं। इसमें आप बेकिंग सोडा डाल लें आधा टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार पकौड़े हैं। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।